वैसे अंकल प्लीज डोंट माइंड, आपके भांजे काफी सेल्फिश है। देखा है कैसा अजीब सा बिहेव कर रहे। आदिल माइंड योर ओन बिजनेस। पापा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फाइज और मोइस को इस तरह अंकल को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। उनको चाहिए था कि अंकल का गम बांटे, तूबा का ख्याल रखें, और वो ये सब कुछ देखने के बावजूद भी वो अंकल को छोड़ के जा रहे हैं। वैसे अकेला क्यों होने लगा, हम हैं ना उसके साथ। वैसे कोई अंकल के साथ हो या ना हो, मैं अंकल को छोड़ के नहीं जाऊं, हमेशा अंकल का साथ दूंगा। जी जरूर खुश रहो, एक तुम्हें तो हो हमारे दुख सुख के साथ ही, तुम्हारी मोहब्बत से सबसे ज्यादा। तुम ही बताओ मोइस, मैं फाइज की ये बात कैसे मान सकती हूँ? अम्मा और तूबा को इस हालत में छोड़कर मैं तुम लोग के साथ मरी कैसे जा सकती हूँ? अभी आप परेशान ना हो, और आपको कोई जरूरत नहीं फाइज भाई की फजूल बातें करने की। यानी क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे। तुम्हें नहीं पता मोइस, फाइज पहले मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन अब अगर मैंने मरी जाने से इनकार किया तो वो बिल्कुल ही मुझसे बात नहीं करेंगे। आप उनकी फिक्र ना करें, उनको मैं समझाऊंगा। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे? अभी मैंने कहा ना कि उनको समझाना मेरी जिम्मेदारी, इस वक्त आप सिर्फ तूबा और मुमानी जान का ख्याल करें। वो अभी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तूबा से मिलूं। मोइस, अभी वो किसी को पहचानने या बात करने की कंडीशन में नहीं है। मैं समझता हूँ इस बात, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए उससे मिलना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सिर्फ तूबा के पास जाकर 5 मिनट बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तानिया उसके पास है, लेकिन प्लीज कोई से बात मत करना जिससे वो फिर डिस्टर्ब हो जाए। आई नो भाभी, ये वक्त अभी तूबा से सारे मोहब्बत का नहीं बल्कि उसी के आगे का। काश फाइज भी तुम्हारी तरह सोचते। सुबह को पानी के लिए जितना बेताब था उतने वक्तों से दूर कर दूं। मेरे साथ ही ऐसे मोइस भाई, आप प्लीज हिम्मत से काम लें। हो सकता है कि अल्लाह ताला आप दोनों की मोहब्बत को आजमा रहे हो। तो पहले दिन ही हर आदमी से गुजारे गए थे, एक बार अल्लाह ताला इसे ठीक कर दे, मैं ले जाऊंगा तूबा को यहां से बहुत दूर। नहीं रह सकता मैं तूबा के बगैर यार। मोइस भाई, प्लीज हिम्मत से काम ले, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए।
वो अजाब मुझ पे गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए, मेरे सारे रंग बिखर रंग रेजा। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मैं बहुत दूर ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। जस्ट रिलैक्स। तुबा आपी मुझे जल्दी से आपी को मिले, उनको बताया कि तुम आपी वापस बेहोश हो गई है। आपी तुबा आपी आपी आपको कुछ नहीं होगा, आपी उठे प्लीज। आपी ये ले, एक और हर्डल। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी में अब कोई खुशी आएगी ही नहीं। मामा, आपने मेरी शादी मायरा से कराई ही क्यों? वो तो ऐसी लड़की नहीं जो मेरे साथ चल सके और मेरा साथ निभा सके। उसे सिर्फ अपने घर वालों की ही फिक्र है। फैज भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मायरा भाभी ऑलरेडी बहुत परेशान है, वो उस घर की बड़ी है, उनके ऊपर उनकी उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी, उनकी दो बहनों की जिम्मेदारी है, ये सब छोड़ के कैसे जा सकती। माइंड योर ओन बिजनेस। मायरा मेरी बीवी है, मैं उसके बारे में जिस तरह चाहे बात करूं करूंगा, हमेशा करूंगा। तुम बड़े दावे करते थे ना तूबा से मोहब्बत करने के, तो तुम निभाओ उससे मोहब्बत, ख्याल रखो उसका। मायरा उसका ख्याल क्यों रखे? ठीक है, तूबा का अपना ख्याल खुद। आप ले जाइए मायरा भाभी को, अगर बचाना चाहती हैं आपके साथ। बैठ जाओ मुझ और गौर से मेरी बात सुनो। कहिए, मैं सुन रहा। देखो, अब तुम बच्चे नहीं हो जो तुम्हारी समझ में बात ना आए। तुम यहाँ चंद रोज खामोशी से गुजारो और वापस अमेरिका चले जाओ। आप कहने क्या चाहते हैं? मैं तूबा से शादी के बगैर वापस चले जाऊं? और ये बात सिर्फ मेरे वापस जाने की क्यों हो रही है? आप लोग क्या वापस नहीं जाएंगे? मैंने वापस नहीं जाना, मैं कराची में ही सेटल होने के सोच रहा हूं। ठीक है, तुम्हारे से शादी के बाद मैं भी कराची में सेटल हूं। मुइज, अब तुम्हारी और तूबा की शादी हरगिज नहीं हो सकती, समझे तुम? आप भी एक बात बहुत अच्छे से समझ लिया, शादी तो मैं करूंगा तुम्हारे से, और मैं उसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं आप लोग की तरह नैरो माइंडेड नहीं हूं। जो उसके साथ जुल्म हुआ है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, और इस बात की समझ है मुझे। अब भी इसके दिमाग पे इश्क का भूत सवार है, बहुत जल्द समझ जाएगा, तुम परेशान मत हो। या अल्लाह, मेरी बच्ची के सारे गम सारे दुख तू मुझे दे दे, बस इसको सुकून दे दे, इसकी हसीयतों को खत्म कर दे। मायरा आपी, आप किसी साइकाइट्रिस्ट से क्यों नहीं बात करती? अल्लाह ना करे अगर तूबा आपी को ऐसी फिट्स पड़ते रहे तो कहीं इनकी तबीयत और ज्यादा सीरियस ना हो जाए।
मैं बात करती हूँ किसी डॉक्टर से। मायरा बेटा, वो तुम्हारी दोस्त दाविंदा साइकेट्रिस्ट है ना? जी अम्मा। तानिया तुम बेटा जरा तू वक्त पास बैठो। मायरा तुम मेरे साथ आओ, जरा मुझे तुमसे बात। कहे ना अम्मा, क्या बात है? मैं तुम तो कुछ समझता इसमें तुमसे बात करना चाहती हूँ कि तुम ताबिंदा बता। ये तुबा का मामला तानिया के सामने डिस्कस नहीं करो, वो भी बच्ची है। लेकिन नन्ना, मैं ताबिंदा से क्या कहूंगी, उसे तुबा के बारे में क्या बताऊंगी? देखो मायरा, वो तुम्हारी पुरानी अच्छी दोस्त है, डॉक्टर भी तो है। हम डॉक्टर अपने मरीजों और दोस्तों का भरा रखना चाहते हैं। अम्मा आप आंगना पप्पू की फजूल बातों की वजह से परेशान हो रहे हैं, इसलिए आप चाहती हैं मैं तुबा का? आंगना पप्पू जो भी कह रही भारत सुन के जिसमत ने जो जुल्म हम पे ढाला था तो ढह चुका। मैं सब ये करती हूँ कि कोई बड़ी कयामत हमारी आसमाइश में नहीं आ जाए। ठीक है अम्मा, मैं ताबिंदा से बात करती हूँ। इस बात का जिक्र किसी से ना करना, खास तौर पर तानिया से। तुम समझ रही हो क्या बात कर रही? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो, बिल्कुल फिक्र मत करो। कुछ करती मुझे बेवजूद किया गया किसी और का वो सुकून था, मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग सारे रंग बिखर गए। रंग रे दा 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 रंग रे दा। तुम क्यों यहां अकेले बैठे हो भाई? अरे क्या मजनू जैसी हालत बनाई हुई है तुमने? अपनी मजनू जैसी हालत नहीं बनाई हुई, ये वाकई मजनू हो गया है। तूबा की मोहब्बत में से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कम ऑन यार, देखो इस दुनिया में ना पेरेंट्स और बहन भाइयों के अलावा कोई और आपका खैरख्वाह नहीं होता। वो तुम्हें कुछ समझा रहे हो तो तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें फायज भाई की बात आराम से सुननी चाहिए। फैज भाई जिस दिन वाकई कोई अच्छी बात समझाएंगे ना, जरूर समझो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी। तूबा की मोहब्बत में तुम पागल हो गए हो। आप पर्सनल हो रहे हैं। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। मोइस, मेरी बात कूल डाउन होके सुनो। कहो तुमने भी चुका है। आदिल इसे बताओ कि गीती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था। वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो तो उस बेचारी पर टूटने वाले जुल्म सितम की रिपोर्ट थी। किसी ने उसका रेप करकर उसको गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। सुन लिया तुमने, अगर गीती के साथ ये सब कुछ हुआ है
और तूबा उसके साथ थी तो क्या तूबा के साथ कुछ नहीं हुआ होगा? ठीक कह रहे हो फैज भाई, तुमने देखा नहीं तूबा इतने बड़े सदमे से कैसे निढाल है? उसे अपनी बेहुर्मती का गम ही तो खाई जा रहा है मोइस, तुम खुद सोचो। सोच लो, क्या अब भी तुम तूबा से शादी करोगे? चाहे आप दोनों की इन फजूल बातों से कोई गरज नहीं। यही फजूल बातें तुम्हारे काम आएंगी। कुछ समझ नहीं रहा ये लड़का, खुद को बर्बाद करके छोड़ेगा। फैज भाई समझ जाएगा, बिल्कुल समझ जाएगा, जब खुद ठंडे दिल से बैठ के सोचेगा। तेरी मर्जी से हम देख रहे, मेरी बेटी ने ऐसी अजियतों से भी गुजरना था खुदाया, तू तो सबका भरा हुआ पर्दे रखने वाला है, बस हमारी लाज भी तेरे हाथ में। अस्सलामुअलैकुम तूबा, देखो तो आपसे मिलने कौन आया। भाई मैं मायरा की शादी पे तो आ नहीं सकी थी, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा हॉस्पिटल जाने से पहले तुम लोगों से मिलती हुई जाऊं। अच्छा तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं सिर्फ चाय नहीं पीऊंगी, एक काम करो अपने हाथ का मजेदार सा ऑमलेट बना के नाश्ता करा दो। ठीक है मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मुझे जानती नहीं? मायरा से ज्यादा तो मैं तुम्हारी दोस्त थी, तुम मुझसे हर बात शेयर किया करती थी, याद है ना तुम्हें? तो भी तुबा के पास थी, किचन में क्यों आ गई? वो ताबिंदा के साथ बता रही। अम्मा ताबिंदा के लिए तुबा इस वक्त उसकी सिर्फ एक पेशेंट है, आप परेशान मत, उन दोनों के दरमियान जो भी बात होगी सिर्फ उन दोनों के बीच में होगी। और अगर तुबा की तबीयत कल की तरह बिगड़ गई तो भी ताबिंदा उसे संभाल लेगी, ये सब उसके इलाज के लिए बहुत जरूरी है। जब तक वो खुलकर अपना दर्द किसी से बयान नहीं करेगी तो ठीक नहीं होगी, और उसकी ये चुप खुद उसकी जान ले लेगी। जानती हूँ
दिलों के अंदर अगर जख्म रसने लगे तो नासूर बन जाते हैं। जैसे अगर किसी का दिल बार बार दुखाया जाए, किसी अपने को बार बार इग्नोर किया जाए तो उसका क्या हाल होता है? उसके दिल के जख्मों के बारे में सोचा है कभी तुमने? या तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है? फाइज कब से अपनी बेटी के इंतजार में बैठा है और तुम यहाँ पता नहीं किसका नाश्ता बनाने में मसरूफ हो। उसे मायरा, जो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने शौहर को इस तरह इग्नोर करोगी। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, पर ये फाइज के लिए नाश्ता बना रही थी। खतीजा बस कर दो, तुम्हें तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये किसके लिए नाश्ता बन रहा है। रुको, मैं अभी फाइज के लिए नाश्ता और चाय लेकर जाती हूँ अभी। ठीक है, दो घड़ी उसके पास भी बैठ जाना, उसके जज्बात और उसकी ख्वाहिशों का ख्याल कर लो। और हाँ, मैं चाय तुबा के कमरे में पीऊंगी, मेरे लिए वहीं ले आना। पुप्पू आप तुबा के कमरे में क्यों? मेरे वहां जाने पे पाबंदी लग गई है क्या? वो अकेली है और ऐसी हालत में उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है। बच्ची की जहनी हालत दुरुस्त नहीं है, हो सकता है वो खुदकुशी ना कर ले। ठीक है, तुम फाइज को नाश्ता दे आओ। देखना तुम ये ताबिंदा के साथ क्या क्या बातें करेंगी। हमारी तो एक आजमाइश खत्म, अब दूसरी शुरू हो जाए। अरे इसे क्या हुआ, ये फिर भी होश हो गई? आंटी ये बहुत बड़े ट्रामा में है, कुछ भी बोलने या सुनने की हालत में नहीं। बोलने के लिए भी इस बेचारी के पास रहा ही क्या है? जो कुछ हुआ है वो तो सबको नजर आ रहा है। ये बताओ कि ये कब तक इस ट्रॉमा से बाहर आ जाएगी? आंटी साइकोलॉजी के रॉ से एक्चुअली तुबा इस वक्त डिसऑर्डर का शिकार है। ऐसा मरीज जिसके दिल पे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा हो या वो किसी खौफ का शिकार हो, कम अज कम इसको महीना तो लगेगा ठीक होने में। एक महीने तक इसी हालत में पड़ी रहेगी? नहीं आंटी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको इस ट्रामा से बाहर निकाल दें। खुदा करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा आंटी, ये मायरा कहाँ रह गई? वो तो मेरे लिए नाश्ता बनाने गई थी। फाइज को नाश्ता देने गई, अब वो बेचारा भी तो उसके इंतजार में बैठा रहता है ना, और मायरा है तो उसे अपने बखेड़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। सच पूछो तो इस तूबा की वजह से मेरे दोनों बेटों की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन इसमें तूबा का कोई कसूर नहीं है, वो तो एक खुद ज़हनी अज़ियत का शिकार है। अच्छा ठीक है, मैं मायरा से कहती हूँ कि तुम्हें नाश्ता दे दे, फाइज और मुइज को मैं खुद ही देख लूंगी। थैंक यू आंटी। आदिल तुम नाश्ता नहीं करोगे बेटा? नहीं मामा, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, और वैसे भी नाश्ता तो मैं मुइज के साथ ही करूंगा। मुइज के साथ? खैरियत तो है? क्या खैरियत? मुइज अजीब अजीब बातें कर रहा है, काफी टफ टाइम दे रहा है आमना आंटी और फाइज भाई को। No. तो वो उनको तंग कर रहा है। Why? पता नहीं बाबू, लेकिन मोइज अंदर से काफी कंजर्वेटिव और रिजिड है, इसीलिए फाइज भाई ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं से बात करूं, उसको थोड़ा सा समझाऊं। मोइज ऐसी कौन सी अजीब बातें कर रहा है जो तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा? मोइज एक्चुअली तुबा से बगैर शादी किए वापस जाना चाहता है। What? What nonsense, honey? Why? पता नहीं,
इरादे तो कुछ उसके ऐसे ही। एनीवे मैं चलता हूँ। मामा आपने चलना है मेरे? जाना तो है मगर अभी नहीं, बाद में मैं तुम्हारे पापा के साथ चक्कर लगा। अच्छा चल। आदिल जी पापा, बेटा तुम मुझसे बात करो जाकर और उसको समझाना कि वैसा ना करे। You know what I mean? जी पापा, मुझे अच्छे तरीके से अंदाजा है कि अगर मोइज ने कुछ ऐसा किया तो वैद अंकल और खदीजा आंटी को कितना सदमा होगा। और तूबा तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर रही। एनीवेज मैं चलता हूं। बेचारी तूबा, ये तो पहले ही खत्म हो चुकी और मोइज के इनकार के बाद तो वो मर ही जाएगी। अब मजीद इंतजार नहीं करूंगा। प्लीज मामू जान से बात करें, हम कोई मेहमान नहीं है जो हमें गेस्ट रूम में डाल रखा है। और आपको मायरा कहां से मेरी नई नवेली दुल्हन लगती है? बस दिन में रो धो के 3 बार खाना खिला देती है एंड दैट्स ऑल। ये है बीवी? मैं और इंतजार नहीं करूंगा यहां पे। आप यहां से जल्द जाने की तैयारी कर लें। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं सारी जिंदगी यहां पड़ी रहूंगी? बस 2-4 दिन की बात और है, बस तुबा की स्टोरी का क्लाइमेक्स सामने आ जाए फिर निकलते हैं यहाँ से।
मामा कौन से क्लाइमैक्स की बात कर रही हैं आप? और कौन सी स्टोरी? तूबा की सारी कहानी हमारे सामने है। अब अगर आप समझती हैं कि मोइज आपसे अपनी जिद मनवा लेगा और ये स्टोरी दोबारा से अपने पुराने ट्रैक पे आ जाएगी तो शायद ऐसा मुमकिन हो जाए, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, और तूबा और मोइज की शादी को तो बस तुम भूल जाओ। अरे मैं तो यहाँ दुनियादारी के लिए बैठी हूँ कि दुनिया क्या कहेगी कि कैसी बहन थी जो भाई को इस गम की हालत में छोड़कर चली गई। मामा आप और आपकी बातें, ये बस अब वो साइकाइट्रिस्ट आ गई है, तूबा की जबान भी जल्दी खुल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मुई सब कुछ तूबा की जबानी सुने ताकि वो ये रिश्ता खत्म करने का फैसला खुद ले। अब ये साइकाइट्रिस्ट कहाँ से आ गई और किसने बुलाया उसे? मैं डॉक्टर काबिंदा की बात कर रही हूँ। अरे वो मायरा की बेस्ट फ्रेंड है, वही आई हुई है इस वक्त तूबा के पास। लेकिन ताबिंदा, तूबा बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? हर किसी को देखकर सहम जाती है। अगर कोई पास आकर बोले तो डर जाती है, कांपने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुमसुम लेटी रहती है लेकिन अचानक हड़बड़ा कर उठती है और रोने लगती है। एक्चुअली मायरा, तूबा बार बार उसे फेस में चली जाती, उसको वो अजियत ना और याद आते रहते हैं और वो साफ से भी बेहोश हो जाती है। तो क्या ये कभी ठीक नहीं होगी? हमेशा उसी अजियत में रहेगी। क्यों नहीं ठीक होगी? निकलेगी इस अजियत से बाहर। मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र करती हो? आंखें खोलो तुबा। उसको इतना टॉर्चर किया है। देखो मैं दवाई लगा। किसी को बताने की कोशिश की तो याद रखना जो सलूक मैंने की थी के साथ और जैसे उसे मारा था बिल्कुल उसी तरीके से तानिया अपना। तुबा मेरी जान, तू भी बताओ ये किसने किया है? तुबा भी आंखें खोलो। अबिंदु मेरी बहन कब निकलेगी इस नसीहत से? जब तक वो कमीना शख्स उसके दिलो दिमाग पे रहेगा ये इसी तरह खौफ से डरेगा। मैं क्या करूं? मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तूबा की बर्बादी में कहीं ना कहीं आदिल की मोहब्बत का भी हाथ है? जब तूबा किडनैप हुई तभी आदिल के चेहरे पर मैंने एक मस्नूई साखा में ही देखा, और जब से तूबा घर वापस आई है तब से मैं आदिल को कुछ परेशान और उलझा हुआ सा देख रही हूँ। जितना वो अपने आप को खुश और मुतमईन पोज करता है इतना वो है नहीं। ऐसा क्यों है? मुझे इसकी ओर का जवाब ढूंढना होगा। अगर मैं किससे बात करूं? हाँ, यूसुफ से। हाँ, यूसुफ ही ठीक रहेगा। उस दिन भी आदिल यूसुफ ही से बात कर रहा था। इसके इतने सारे दोस्तों में से यूसुफ ही तो इसका गहरा दोस्त है। इसे जरूर पता होगा। मैं इससे बात करती हूँ, बल्कि नहीं, मुझे इसके पास जाना होगा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। देखो मायरा, अगर तुम भी इस तरह स्ट्रेस लोगे तो मुझे बताओ तूबा को कौन संभालेगा? मेरी बात अच्छी तरह समझ लो।
तूबा का इलाज सिर्फ मोहब्बत और तवज्जो ही है। पता नहीं, मैंने तो सारी जिंदगी अपनी फैमिली से सिर्फ मोहब्बत ही की, और तूबा में तो मेरी जान है, तुम जानती हो। तो बस फिर तुम परेशान क्यों होती हो? उसके जख्मों की दवा सिर्फ मोहब्बत ही है, और तुम उसे जल्दी संभाल लो। अच्छा, मैं जरा तूबा को देखूं, वो गहरी नींद सो रही थी। अरे तुम यहीं बैठी रहो, उसे सोने दो। मगर उसके पास कोई नहीं था, अगर वो उठ गई और डर गई तो? वो तन्हाई से नहीं डरी। अच्छा है कि वो थोड़ी देर तन्हा रहे, अपने आप से बातें कर ले। Are you sure now? अरे भाई, क्या हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? अरे आदिल, क्या तुम भी मुझे भूल गए? मैं चंद सालों के लिए कनाडा क्या चली गई, तुम सब लोगों ने मुझे भुला दिया है। अरे तबिंदा, आप ही कैसे भूल सकता हूँ आपको? मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान कब आए? मैं बस कुछ ही दिनों पहले। वहीं से मेरी दोस्त हैं ताबिंदा, बहुत साल पहले ये लोग यहीं रहते थे, लेकिन फिर कनाडा शिफ्ट हो गए। क्या आप साइकेट्रिस्ट? हाँ हूँ तो सही। अच्छा तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा फाइज को देखूँ। मारा अभी फाइज भाई को देखिएगा मत, उनके साथ थोड़ी देर बैठ भी जाइएगा। वो आपको पता है ना, दुला मियां का जरा मूड ऑफ। जानती हूँ। अच्छा ताबिंदा, तुम लोग इनके साथ बैठ के बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। अच्छा मायरा, मैं चाय के बाद थोड़ी देर घर चली जाऊंगी। मगर तुमने तो कहा था तुम कुछ दिन रुकोगी यहाँ पर। हाँ, रात में वापस आ जाऊंगी, बस घर वालों को थोड़ी तसल्ली दे दूं और रहने के लिए कुछ कपड़े ले लूं। प्लीज आ जरूर जाना। मगर तुम जाओगी कैसे? मैं फोन करके ड्राइवर बुलवा लेती हूँ। अरे ताबिंदा, अभी क्या जरूरत है आपको ड्राइवर बुलाने की? मेरे होते हुए भी आप अब ड्राइवर बुलाएंगे क्या? चलो ठीक है, फिर तुम ही मेरे साथ चलो। अच्छा मैं ड्राइवर से बात करती हूँ। अच्छा तो आप हैं तूबा के मंगे? आप यहाँ खैरियत तो है? खैरियत ही है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। मैं अंदर आऊं या फिर तुम बाहर आए? जी जी आंटी, मैं ही आ जाता हूँ। ठीक, जल्दी आ जाओ। और सुनो, आदिल को फोन करके मत, इसमें तुम्हारा ही नुकसान। मैं यहाँ तुमसे तुम्हारे ही बहुत बड़े फायदे की बात कर रही हूँ। डोंट यू वरी आंटी, मैं आदिल को कॉल नहीं करूंगा। मैं ही